भी गले जल प्रवाह बाद पटले गले बलम गलम बिना भुजंग तुंग भज कांडा मट्टा मट्टा। भारतवर्ष के प्रमुख आराध्यक भगवान शिव को माना गया है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव भक्तों का प्रमुख पर्व महाशिवरात्रि है, जिसका भोले भक्तों को पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार रहता है। भगवान भोलेनाथ के प्रति शिव साधकों के मन में बहुत श्रद्धा है। इसी के चलते पूरे साल अलग अलग रूप में भगवान शिव और उनकी महिमाओं को अलग अलग पर्व और तीज के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है महाशिवरात्रि, जो साल की शुरुआत यानी कि फरवरी महीने के मध्य या अंत में आती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसी त्योहार को लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। कुछ पूरा दिन व्रत रख पूजा करते हैं तो कुछ लोग फलिहार वितरित करके भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा का अर्पण करते हैं। शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में भी बताया जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे, उनमें से हमें केवल 12 जगह का ही नाम पता है। हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह वह मूर्ति है जिसका नाम लिंगोभय यानी यह आदि से प्रकट है। शिव और शक्ति का हुआ था इस दिन मिलन। जी हाँ, महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति की शादी हुई थी। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वह गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे भी एक कारण यह है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि भगवान शिव का सबसे लोकप्रिय चढ़ने वाली चीज है भांग, और इसी भांग सेवन भी भक्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भी भांग का खास महत्व होता है। इस दिन लोग भगवान शिव पर भांग और बेलपत्र चढ़ाते हैं, साथ ही उनका श्रृंगार भी करते हैं। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही है सारा संसार, और ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। इन बिसिन के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बिसे न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।